जय बाबा की, आप सबको प्रणाम। आज का विषय थोड़ा अलग है और कुछ लोगों को ये विषय बहुत गलत लगेगा, बहुत बुरा लगेगा और वो मुझे कहेंगे नास्तिक, पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो सत्य है वो कड़वा है और गुप्त है और लुप्त है। तो आज के विषय पे प्रकाश डालते हैं। देखिए, आज के युग में लड़कियां, माताएं, बहनें चांद तक जा चुकी हैं, फौज में भी उनकी भर्ती है और किसी भी व्यवसाय में आप जाएं, चाहे डॉक्टर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे इंजीनियर है, चाहे टीचर है, हर फील्ड में लड़कियां जा चुकी हैं। लेकिन एक एक फील्ड ऐसा है जिसमें लड़कियां हमेशा पीछे रह गई हैं, माताएं बहनें पीछे रह गई हैं, और वो विषय है आत्मा से परमात्मा के मिलन का। आत्मा से परमात्मा के मिलन में अगर विलंब है तो इस पे प्रकाश आज तक किसी ने क्यों नहीं डाला? ये मेरे मन की बात है, ये कोई शास्त्र नहीं है, ये मेरा एक मन का विषय है कि माताएं बहनें क्यों अधूरी रह जाती हैं, क्यों उनकी साधनाएँ पूरी नहीं होती हैं, क्यों उनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती है। देखिए, अगर आपको कोई साधना करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 41 दिन की साधना होगी, सवा महीने की साधना होगी या सवा साल की साधना होगी। किसी को अखंड जाप करने हैं तो उसमें लंबा टाइम लगता है, किसी को लंबे व्रत करने हैं तो उसमें लंबा टाइम लगता है। लेकिन समस्या बहनों के साथ क्या समस्या आती है कि बहनों के प्रकृति के निर्माण के स्वरूप परमात्मा ने उनके शरीर में कुछ भेद दिए हैं, जिस भेद की वजह से हर महीने उनकी मेंसेस पीरियड आ जाते हैं, और मेंसेस पीरियड के समय पे कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बेटी कोई पूजा पाठ आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि उस समय उनको अशुद्ध माना जाता है। चलिए, स्थूल शरीर तो आपका अशुद्ध हो सकता है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अशुद्ध नहीं है, अपूर्ण नहीं है। इसी विषय पे आज मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ और आपसे अपने मन के विचार शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, और किसी को अच्छा लगे और किसी का जीवन बदल जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मेरे मन की चाल के अनुसार अगर आप परमात्मा को देखें तो मैं परमात्मा को परमात्मा एक अपने से अलग नहीं मानता। देखिए, सारी सृष्टि का जिसने निर्माण किया है उसने हमारा भी निर्माण किया है, और मेरा भी निर्माण उसी ने किया है, और आपका भी निर्माण उसी ने किया है। पशु पशु को पैदा करता है, पक्षी पक्षी को पैदा करता है, और जल से ही जल का निर्माण होता है। तो परमात्मा से जिसका निर्माण हुआ, जो मेरे दाता हैं इस जन्म में, तो मेरे माँ बाप भले ही कोई और हैं, अगले जन्म में कोई और होंगे और पिछले जन्मों में कोई और थे, लेकिन जो मेरे स्थूल शरीर के भीतर मेरी आत्मा बैठी हुई है उसके जो पिता हैं वो हमेशा हर जन्म में एक हैं, और बस फर्क इतना है कि हम उनको एक देवता स्वरूप मानते हैं, एक भगवान स्वरूप मानते हैं और एक परमात्मा स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम उनको कभी माँ या बाप की नज़र से नहीं देखते। अगर आप परमात्मा को एक माँ की और एक बाप की नज़र से देखो कि वो इस आत्मा के, इस निर्माण के दाता हैं, तो वहाँ कोई भेद नहीं रह जाता। अगर मान के चलो आपको अपने माता से या अपने पिता से कोई चीज़ मांगनी है या उनको खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो क्या उसके लिए आपको उनकी आरती उतारनी पड़ेगी, क्या फूल चढ़ाने पड़ेंगे, या क्या आपको उनको खुश करने के लिए कोई हवन करना पड़ेगा? मेरे विचार से ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट उनसे बोलना ही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये ज़रूरत है, और आप इसकी पूर्ति करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भौतिक दुनिया में स्थूल शरीर को नियमों से बांधा जा सकता है। स्थूल शरीर को नियमों से बांधने का अर्थ ये है कि हर महीने माताओं बहनों की जो मेंसेज आती हैं, पीरियड आते हैं, उसमें वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। लेकिन एक
शरीर और है, आपके स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में आपका आपका मन है, आपकी बुद्धि है और आपकी आत्मा है, और उस स्थूल शरीर के भीतर एक शरीर और है जिसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर के भीतर आपके परमात्मा है। तो जो आपके परमात्मा और आपकी आत्मा जो सत्य स्वरूप है और जो असली है और जो बिल्कुल सत्य आपके भीतर बैठा हुआ ही है, तो उससे मिलने में विलंब क्यों है, उससे दूरी क्यों है? अगर आपको अपने भगवान की कोई पूजा करनी है, कोई पाठ करना है, तो उसमें आप दुनिया के नियमों से क्यों डरती हैं? पुराने समय से, आदिकाल से आप देखते आ रहे हैं कि कोई साधु है, कोई महात्मा है या कोई संत है, उसको अगर कोई तपस्या करनी है तो वो मंदिर में बैठ के तपस्या नहीं करता, वो मंदिर में बैठ के कोई आराधना नहीं करता, मंदिर में बैठ के कोई यज्ञ हवन नहीं करता, वो तो वीराने में, एकांत में, अकेले में बैठ के हवन करता है, जहाँ इंसान भी ना हो, जहाँ कोई पशु ना हो, कोई पक्षी ना हो, जहाँ कुछ भी ना हो, वहाँ भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप दुनिया के नियमों में अगर स्थूल शरीर से भगवान की पूजा पाठ करेंगी तो आपके पूजाओं में, आपकी भक्ति में, आपकी आराधना में विलंब आएंगे। आप लगातार 41 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती। परंतु अगर आप अपने मन के मंदिर में, आप अपने सूक्ष्म शरीर में, आप अपने मन के मंदिर में एक स्थान बनाएं, या तो आप हृदय में स्थान दें, या आप जहाँ तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्कर में वहाँ स्थान दें। वैसे आज्ञा चक्कर में गुरु का स्थान है, लेकिन एक बात है, चलो आज्ञा में नहीं तो आप अपने हृदय में अपने भगवान को स्थान दें। एक छोटे से एक मंदिर का निर्माण करें आप अपने हृदय चक्कर में, और जो जिसको मानता है, कोई आजकल जैसे ज़्यादातर माता बहनें लड्डू गोपाल जी को मानती हैं, कोई खाटू श्याम नरेश को मानता है, कोई बालाजी महाराज को मानता है, कोई शेरावाली को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, तो जो जिस भी देवी देवता को मानता है तो सारे परमात्मा के ही रूप, तो जो जिस भी देवी देवता को मानता है, आप अपने मन के मंदिर में उसका निर्माण करें, उससे बातचीत करें। विधि ये है कि आप अपने भीतर अपने कल्पना शक्ति से आप इमेजिन करें, एक मंदिर का निर्माण करें अपने मन के मंदिर में, और उसमें वहाँ एक आसन लगाएं, उस आसन पे अपने भगवान को बिठाएं, और दिन में 3 बार आप हाजिरी जरूर दें, सुबह, दोपहर, शाम, 3 समय आप अपने भगवान से जरूर मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, मिनिमम 3 टाइम और मैक्सिमम 11 बार आप अपने मन के मंदिर में जाएं, अपने भगवान से मिलें, उसका श्रृंगार करें, अच्छे वस्त्र धारण कराएं और उसको भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं, और जो भी उपलब्धि है आप अपने मन से जो भी वहाँ चढ़ाना चाहते हैं उनको चढ़ाएं और उनको भेंट अर्पण करें। देखो एक छोटा सा अनुभव, कल रात को एक अनुभव हुआ मुझे कि आपको अगर भौतिक दुनिया में अपने भगवान को भोग लगाना है तो आपको मंदिर में जाके आँख बंद करके और ताली बजा के बोलना पड़ेगा, आओ भोग लगाओ मारे देवा। लेकिन भीतर के मंदिर में आप अपने भगवान को जिस दिन बिठा लेंगे तो वहाँ आपको आह्वान नहीं करना है, वहाँ शाश्वत साक्षात सत्य परमात्मा बैठा हुआ है, आपको जाके अपने हाथों से डायरेक्ट उसको खिलाना है। तो देखो जब वो वहाँ आपकी कल्पना से साकार हो जाएगा, अभी मैं बताऊँगा कैसे होगा, जिस भी दिन वो आपकी कल्पना से वहाँ साकार हो जाएगा और आप उसको भोग लगाएंगे और भगवान आपके दिए हुए निवाड़े को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे, तो वो बताएंगे कि भाई आपने भोजन कैसा बनाया है, आज आपका भोजन ये है, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, या आपके भगवान खुद भी बोल के बताएंगे कि आज मुझे ये चाहिए, आज मेरी ये इच्छा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है या ताली बजा के भगवान का आह्वान करना ज़्यादा अच्छा है? अपने परमात्मा को अपने हाथों से खिलाने का जो आनंद आप अपने भीतर अनुभव करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा आनंद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, आपको 3 दफ़े कम से कम अपने भगवान के पास जाना है, अपनी कल्पना शक्ति से आपको वहाँ देखना है कि मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं, उनका भोग लगाना, मान के चलो लड्डू गोपाल जी हैं,
तो आप लड्डू गोपाल जी को एक सिंहासन पे बैठाएं, उनके माथे पे तिलक लगाएं, एक मुकुट पहनाएं, उनके गले में माला पहनाएं और अच्छे अच्छे वस्त्र। आपके पास पैसा है या नहीं है कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, जो आपके मन में है वो आप वहाँ पे भेंट करें। जितना आप ज़्यादा दे सकते हैं उतना वहाँ ज़्यादा दें, चाहे समय है, चाहे मन के भाव हैं, या कोई भोग प्रसाद है। और गुरु महाराज बताते हैं कि जब कल्पना शक्ति में आपकी इच्छा शक्ति जिस दिन जुड़ जाएगी, कल्पना शक्ति प्लस इच्छा शक्ति, जिस दिन ये दो शक्तियाँ इकट्ठी होकर जुड़ जाएंगी, तो मैं वादा करता हूँ उस दिन आपके भगवान वहाँ प्रकट हो जाने हैं 110%। और वो भगवान जिस दिन भी प्रकट होंगे उस दिन बोलेंगे, आपका नाम लेके बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। और उस दिन के बाद आपको दुनिया का कोई नियम ना तो रोकने वाला है ना टोकने वाला है। फिर चाहे आपकी मैंसेज आई हुई है, चाहे आप डिलीवरी पोजीशन पे हैं, चाहे आपकी शादी का समय है, जो भी मतलब आप मेरी बातों का बुरा ना माने, औरतों के साथ जो भी समस्याएं होती हैं, माताएं बहनों के साथ जो भी दिक्कत परेशानी है, और जो आपके साथ रुकावटें आती हैं, वहाँ आपके ऊपर कोई रुकावट आने वाली नहीं है। तो आप अपनी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, आप अपने मन के मंदिर में भगवान का निर्माण करें, भगवान के लिए एक अच्छा सा कक्ष बनाएं, उसमें मंदिर बनाएं, मंदिर में भगवान का आसन लगाएं, और उस आसन पे, सिंहासन पे आप अपने भगवान को बिठाएं। दिन में कम से कम 3 बार वहाँ आप अपनी हाजिरी दें, उनसे पूछें, भगवान जी प्रणाम, भगवान जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपके लिए क्या बना सकती हूँ, काजू बादाम किशमिश छुआरे, जो भी आपका मन, पंचमेवे का जो भी आपका मन करता वो आप खिलाएं। महंगे से महंगे आभूषण, सोना चांदी हीरे जवाहरात आप आभूषण उनको भेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उनको दें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आत्मा और उस आत्मा से जुड़े हुए परमात्मा जो आपके सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में है, उनकी दूरी एक दिन ख़त्म हो जानी है, आत्मा परमात्मा में समाहित हो जानी है, और दुनिया का कोई बंधन आपको रोकने वाला नहीं है। चाहे आप वहाँ बैठ के कोई अभ्यास भी कर सकते हैं, मान के चलो आपको कोई व्रत करना है तो आप वहाँ बैठ के कोई व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत कैसे होंगे उनको ज़रा जाने, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाए हैं। आप 5 भूत में से किसी भी एक भूत पे व्रत करें, आप मान के चले कि मुझे 41 दिन की साधना करनी है आत्म सुधार के लिए, तो आप अपने भगवान को जो आपके भीतर बैठे हैं उनको बोलें, हे प्रभु हे दीनानाथ, मुझे 41 दिन तक क्रोध नहीं करना है, मैं व्रत करती हूँ कि मैं 41 दिन तक क्रोध नहीं करूँगी। 41 दिन तक आप उस अभ्यास में रहें, या नारायण हरि की शरण में रह के आप कोई भी अपने भीतर संकल्प उठाएं और उस संकल्प को 41 दिन तक पूरा करें, अभ्यास करें। यही पद्धति है जो साधु संत ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक करी है। आप इस पद्धति को करें, इसका आनंद लें, इसका, इस सत्य का अनुभव लें, क्योंकि देखो आपके स्थूल शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी हुई है, ना तो वो स्त्री है और ना पुरुष है, वो आदमी और औरत इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ है, आत्मा सिर्फ है, एक ज्योति स्वरूप है। और ज्योति, ज्योति तो ना तो स्त्रीलिंग है ना पुरुष लिंग है, वो कुछ भी नहीं है, बस वो है, परमात्मा का शाश्वत अंश है परमात्मा। आप परमात्मा के बारे में तो आप जानते हैं, परमात्मा है लेकिन निराकार है, उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन जितने भी रंग दुनिया में हैं सारे रंग उसी के हैं, सारे रूप उसी के हैं और सारे आकार उसी के हैं। तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कोई बंधन क्यों है, क्यों है कोई बंधन? तोड़ दे बंधन, तोड़ दे नियम और मिल जाए, समा जाए प्रेम में, आनंद में, अनुभूति में, एक हो जाए आप अपनी आत्मा और परमात्मा, आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। यही आज का मेरा विषय है। अगर इस विषय पे आपको
समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट करें। हमारे गुरु महाराज बाबा जी बैठे हुए हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबकी आत्मा में बैठे परमात्मा को धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। प्रणाम।